हेलो दोस्तों, सनम बुटीक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस सूट की कटिंग करना सिखाऊंगी। मेरे पास ये 5 मीटर कपड़ा है, इसकी सूट और सलवार दोनों की कटिंग करेंगे। देखो, इसके सामने के हिस्से में ये है और इसके बॉर्डर में ये थोड़ा वर्क है, और बाकी सूट पूरा प्लेन है। और ये इसकी लाइनिंग है, तो सबसे पहले हम लाइनिंग को खोलेंगे। ये अस्तर को देखो, हमने ऐसे फोल्ड किया है। आगे और पीछे दोनों के हिस्से एक साथ कट करेंगे। ये देखो, यहाँ से बंद है, ये वाला हिस्सा भी यहाँ से बंद है, फिर हमने इसको ऐसे फोल्ड किया है। खुला वाला भाग इस तरफ है और बंद वाला भाग इस तरफ है। देखो, सबसे पहले हम इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। यहाँ से ही इसकी लंबाई का निशान लगा लेते हैं। सूट की जो टोटल लंबाई हम 40 इंच तैयार रखेंगे, तो 40.5 इंच पे निशान लगाएंगे, 1/2 इंच बढ़ा के, क्योंकि जो सूट के नीचे बॉर्डर है वो एकदम तैयार है, उसमें हमें कोई एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। ये इनका बॉडी मेजरमेंट है। शोल्डर है 14 इंच, चेस्ट है 40, कमर है 35, हिप है 44 इंच, आर्मोल की गोलाई 17 इंच है और लंबाई 40 इंच। बाजू की लंबाई हम 16 इंच रखेंगे, गोलाई 10 इंच, आगे का गला है 7 इंच, पीछे का 8 इंच बनाएंगे। और सलवार की जो लंबाई होगी हमारी तैयार 38.5 इंच। अभी इसके निशान लगाएंगे। तो ये हमने इसका सीधा निशान लगाया है, यहाँ से ही हम इसका निशान लगाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी आर्मोर की लंबाई जो रखेंगे 6.5 इंच रखेंगे, कमर 14.5 इंच पे रखेंगे और हिप इनकी 20 इंच पे खोलेंगे, तो 19.5 इंच तैयार आएगा। अभी देखो, सभी निशानों को हम ऐसे सीधा कर देंगे। ये आगे और पीछे दोनों हिस्से हमें एक साथ कट करेंगे। तो देखो, यहां से इनकी जो चेस्ट है 40, 40 का जो चौथा भाग हम रखेंगे 10 इंच, कमर है 35 इंच, 35 का चौथा भाग करके लगाएंगे तो 9.25 इंच, और हिप है 44 इंच, तो उसका चौथा भाग रखेंगे 11 इंच। अभी देखो, इन सभी निशानों को हम ऐसे आपस में मिला देंगे। यहां से हमने 11 इंच रखा है, सेम नीचे घेरे पे भी हम 11 इंच ही रखेंगे। इस निशान को भी ऐसे मिला देंगे और ये हम तुरपाई फोल्ड के लिए रख देंगे। इधर एक्स्ट्रा मार्जिन रख देंगे। इनका फ्रंट जो हम रखेंगे 5.25 इंच रखेंगे, और शोल्डर है इनका 14 इंच बॉडी मेजरमेंट, तो इसमें हम 2 इंच माइनस कर देंगे, उसका हाफ करके रखेंगे। पहले तो देखो, शोल्डर का हाफ करना है, 2 इंच माइनस कर देंगे तो बचा हमारा 5 इंच। तो ये शोल्डर हमारा 5 इंच रहेगा, क्योंकि पीछे का गला हमारा डीप है, 8 इंच रखेंगे। अभी इसको एक आर्मोल की शेप देंगे। यहां से हम 1/2 इंच कंधे डाउन कर देंगे। गले की चौड़ाई जो हम रखेंगे 3 इंच रखेंगे, टोटल वो 6 इंच हो जाएगी। ये हमारे सामने के हिस्से के निशान कंप्लीट हो गए। इसी में हम बैक हिस्से के भी निशान लगाएंगे। यहां से हम देखेंगे कितना ये हमारा 1/4 इंच आ रहा है, तो 1/4 इंच इधर भी हम एक निशान लगा देंगे, और इस निशान को हम इस निशान से मिला देंगे। पीछे का हिस्सा हम 1/2 इंच उठा के कट करते हैं, तो 1/2 इंच पे एक निशान लगा देंगे। यहां से आर्मोल की शेप देंगे। अभी इसको हम कट कर देंगे। ये हमारे दोनों हिस्से कट हो गए। अभी देखो, इसकी फिटिंग की जगह हम एक कट लगा देंगे, कमर पे भी लगाएंगे और हिप के ऊपर। अब हम इसके
पीछे वाले हिस्से को ऐसे ही छोड़ देंगे और सामने वाले हिस्से की ऐसे आगे से छटाई कर देंगे। पहले तो हम यहाँ से कट करेंगे। ये हमारे सामने के हिस्से की भी कटिंग हो गई। अभी इसको हम मेन पीस के ऊपर कट करेंगे। देखो पहले ये जो सामने का हिस्सा है इसको बिछाएंगे और इसके साइड में ये बाजू के लिए दिया हुआ है, ये भी थोड़ा वर्क है सामने सामने में। तो सबसे पहले देखो हम इसको, ये जो हमारा बॉर्डर है वो एक साइड से ही है तो इसको हम एक साइड से ही फोल्ड कर देंगे ऐसे। अरनी का हमारा बिल्कुल तैयार है तो एक्स्ट्रा मार्जिन हम नहीं रखेंगे इसमें। सामने के हिस्से को देखो हमने ऐसे फोल्ड कर दिया है और घेरे पे एकदम बराबर करके रखा है इसको। अब सामने वाला हिस्सा लेंगे और इसके ऊपर ऐसे रख देंगे क्योंकि सामने वाले हिस्से की जो कटिंग की है वो हमने उसकी लंबाई के बराबर ही की है, 40.5 इंची अस्तर की कटिंग की है। अभी देखो इसको हल्का हल्का एक्स्ट्रा लेते हुए हम इसको कट कर देंगे। ये सामने का हिस्सा कट हो गया। अभी पीछे के हिस्से के लिए कपड़े को आगे की तरफ करेंगे ऐसे। ये हमने पीछे के हिस्से के लिए भी देखो कपड़े को ऐसे फोल्ड करके रखा है, बंद वाला भाग इस तरफ है, खुला वाला भाग इस तरफ है। और ये पीछे के हिस्से को हम ऐसे लेंगे और इसके ऊपर ऐसे रख देंगे और इसको भी हम हल्का हल्का एक्स्ट्रा लेते हुए कट करेंगे। और इसके नीचे हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है वो पाइप फोल्ड के लिए क्योंकि हमारा सामने का हिस्सा तो बिल्कुल तैयार है। ये पीछे के हिस्से के लिए हमने तुरपाई का एक्स्ट्रा रखा है। ये तुरपाई फोल्ड की जगह है, ये कट लगा देंगे। ये पीछे का भी हिस्सा कट हो गया। ये देखो हमारा जो बचा हुआ कपड़ा है, पहले तो इसमें हम सलवार कट करेंगे और फिर बाद में बाजू कट करेंगे। तो एक साइड से कपड़े को ऐसे पकड़ेंगे, कपड़ा को डबल कर देंगे ऐसे, सलवार के पल्ले निकालेंगे। अभी देखो सलवार की जो लंबाई है 38.5 इंच तैयार है तो हम इसमें 5.5 इंच की बेल्ट लगाएंगे। तो 1/2 इंच हम इधर सिलाई का छोड़ देंगे जो सिलाई मार्जिन में जाएगा, तो यहाँ से हम बेल्ट का ऊपर की तरफ निकाल देंगे 5.5 इंच। और इनकी लंबाई है 38.5 इंच तो 38.5 इंच पे निशान लगाएंगे और नीचे 1/2 इंच हमारा सिलाई में भी जाएगा तो 1/2 इंच बढ़ा के एक निशान लगा देंगे। तो ये टोटल हमारा यहाँ से 34 इंच आ रहा है तो 34 इंच पे हम ऐसे निशान लगा देंगे। ये निशानों को ऐसे सीधा कर देंगे। और यहां से हम पल्ले कट कर देंगे। ये हमारे दो पल्ले कट हो गए। यहां से इनको हम अलग कर देंगे। और एक इनके बीच सेंटर में कट लगा देंगे। ये पल्ले की कटिंग हो गई। अभी इसकी कलियां कट करेंगे। अभी देखो इसकी कली कट करेंगे। कपड़े को हमने ऐसे डबल करके रखा है। सो पहले देखो इधर एक निशान लगा लेंगे जो हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा 1/2 इंच पे। तो इनकी बेल्ट रखेंगे हम 5.5 इंच तैयार, तो बेल्ट का इधर भी हम एक्स्ट्रा निकाल देंगे। और लंबाई इनकी है 38.5।
हमारा जो पल्ले है पल्ले की चौड़ाई ज्यादा है इसलिए हम कली को 1 इंच छोटा करके रखेंगे तो 37.5 इंच पे निशान लगा देंगे। ये हमारा 32.5 इंच आ रहा है तो इधर से भी हम 32.5 इंच पे एक निशान लगा देंगे। देखो इसमें ये सेमी पटियाला बनेगी तो सेमी पटियाला बनाने के लिए हमें यहाँ से देखो नॉर्मल सलवार में तो हम इधर आसन का निकाल लेते हैं 10.5 इंच, ठीक है। अब ये हमें सेमी पटियाला बनानी है तो हम इसका आसन बाद में निकालेंगे, पहले 16 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इस निशान को इस निशान से मिला देंगे। और इसको कट कर देंगे। ये हमारी 2 कली कट गई है। अब 2 कलियां इस कपड़े में हम कट करेंगे तो इसको हम इसी तरह उठाएंगे और इसके ऊपर सेम ऐसे रख देंगे। अभी देखो इनको भी हम यहां से कट कर देंगे। ये हमारी 2 कलियां ये हो गई और 2 कलियां ये, 4 कलियां हो गई। अब ये इधर से हमारा है इसको भी हम अलग कर देंगे। और इधर भी हम एक कपड़ा ज्वाइंट करेंगे तो ये हमारे पास ये जो कपड़ा बचा है इसको ऐसे लेंगे और इसको 4 फोल्ड कर देंगे। पहले तो बंद वाला भाग उस तरफ रख देंगे और खुला वाला भाग इस तरफ रखेंगे और सिलाई मार्जन ऐसे दबाते हुए इसको इसके ऊपर रखेंगे। सबसे पहले एक सीधा निशान लगाएंगे और यहाँ पे इनका आसन का निशान लगाएंगे। 1/2 इंच हम एक निशान लगा देंगे क्योंकि 1/2 इंच हमारा सिलाई में जाएगा तो 5.5 इंच की हम बेल्ट तैयार रखेंगे तो 5.5 इंच पे ऐसे रख लेंगे और इनका आसन हम 15 इंच रखेंगे तो 15.5 इंच पे निशान लगाएंगे ऐसे और इस निशान को हम इस निशान से ऐसे मिला देंगे। तो 4 कलियां इनकी ये हो गई और 4 ही कलियां ये हो जाएंगी जो इसके हम ज्वाइंट कर देंगे और इसके बीच सेंटर में एक कट लगा देंगे। अब इसकी बेल्ट कट करेंगे। अभी देखो इनकी तैयार बेल्ट हम 5.5 इंच रखेंगे तो इसमें हम 1.5 इंच नेपू फोल्ड के लिए रखेंगे और 1/2 इंच नीचे की सिलाई मार्जिन के लिए, ठीक है। हमारी सलवार ज्वाइंट होगी तो 1/2 इंच उसमें चला जाएगा तो टोटल हम बेल्ट इनकी रखेंगे 7.5 इंच तो 7.5 पे एक निशान लगा देंगे। और इसको भी हम कट कर देंगे। कपड़ा हमारा डबल था और अभी देखो यहाँ से इसको नापेंगे। ये 21.5 इंच है मतलब कि 43 इंच, लेकिन हमें बेल्ट चाहिए 48 इंच तो इसमें हम कपड़ा ज्वाइंट करेंगे। ये हमने कपड़े को ऐसे डबल कर दिया है, ये जो पीस इसके साथ ज्वाइंट करेंगे इसको देखो ऐसे रखेंगे और इसको नापेंगे तो ये हमारी 24 इंच हमें तैयार चाहिए। सिलाई मार्जिन हमने इधर दबा दिया है और इधर भी जो सिलाई मार्जिन आएगा तो ये हमारी बेल्ट तैयार होके एकदम परफेक्ट आएगी। अब इसकी बाजू की कटिंग करेंगे। हमारे पास इसमें से देखो ये कपड़ा बचा है, ये देख लो बाजू को, ये जो हमारा इसके ऊपर वर्क है इस वर्क को ऐसे मिलाएंगे और बाजू को ऐसे रख लेंगे। और ये देखो बाजू का कपड़ा हमारा इस साइड कम है क्योंकि इतना तो हमें तैयार चाहिए और सिलाई मार्जिन चाहिए तो इसमें हमारा कपड़ा ज्वाइंट होगा तो इसी कपड़े से ही लेंगे। कपड़ा हमारा डबल है और इसको हम इसी के बराबर ऐसे रख लेंगे, एक्स्ट्रा को ऊपर की तरफ निकाल देंगे। यहाँ से हमें 8 इंच चाहिए तो 8 इंच पे एक निशान लगा देंगे।
यहाँ से हम 3.5 इंच लेंगे और 3.5 इंच हम इधर से भी ले लेंगे और इनकी जो लंबाई है 16, तो 16.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इस निशान को ऐसे मिला देंगे और मोहरी इनकी 10 इंच तैयार रखेंगे तो उसका हाफ के ऊपर निशान लगाएंगे और यहाँ से हम एक्स्ट्रा रख देंगे तो इस निशान को इस निशान से मिला देंगे और ये हम एक्स्ट्रा रखेंगे। बाजू की भी कटिंग कर देंगे या हमारे बाजू की कटिंग हो गई, इसके बीच सेंटर में कट लगा देंगे। इसी तरह हम दूसरी वाली बाजू भी कट कर लेंगे। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।